वेलकम टू ट्रेडिंग टॉकीज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले हफ्ते मार्केट कैसा था और आने वाले वीक में मार्केट कैसा होने वाला है, और देखेंगे 3 बेस्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड ऑफ दिस वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली मार्केट आउटलुक। लास्ट वीक मार्केट थोड़ा रोलर कोस्टर था। इस पूरे हफ्ते मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन देखा। इंडाइसेस ने मेजर पार्ट ऑफ द वीक सिर्फ एक रेंज में ट्रेड किया है। अगस्त मंथ अब तक बुल्स के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि निफ्टी ने हाल ही के 19,990 के हाई से 19,300 तक करेक्शन किया है। द रीसेंट नेगेटिव न्यूज फ्लोज विद रिस्पेक्ट टू डाउनग्रेडिंग ऑफ US क्रेडिट्स रेटिंग बाय फिच, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स बाय US फेड एंड कंसर्न ओवर चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ लेड टू लॉट ऑफ अनसर्टिनिटीज अमॉन्ग्स ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इस डाटा से हमें ये पता चलता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव हैं और आगे भी नेगेटिविटी रह सकती है, क्योंकि इंडेक्स ने लास्ट 4 मंथ्स के रैली का 23.6% रिट्रेसमेंट किया है। आने वाले वीक में हमें ये देखना होगा कि इंडाइसेस इस सपोर्ट को पकड़ पाता है या नहीं, या फिर पुलबैक मूवमेंट को देखता है। अगर ये नहीं होता है तो अगला बड़ा सपोर्ट रेंज 19,000 लेवल पर होगा ऊपर की तरफ। हालांकि करेक्शन की तरफ से गिरने वाली ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस अब 19,450 से 19,500 रेंज में दिख रही है, जो एक इम्पॉर्टेंट है। इसको तोड़ने के लिए एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। उसके पहले हम ट्रेडर्स को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ट्रेड करने की सलाह देते हैं। इसी के साथ हम अब देखेंगे कि लास्ट वीक कौन से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से स्टॉक्स ने बुरा परफॉर्म किया। निफ्टी में बड़े लॉसेस में थे हीरो मोटोकॉर्प 2.14%, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2%, कोल इंडिया 2.9%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 1.81% और टेक महिंद्रा 1.70%। वहीं अदानी के सारे स्टॉक्स 3-6%, आइशर मोटर्स 1.55%, मारुति सुजुकी 0.86% और नेस्ले इंडिया 0.75% से आगे थे। लेकिन ज़्यादातर सेक्टोरियल इंडाइसेस जैसे कि FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और पावर के अलावा नेगेटिव जोन में रह गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 1.5% की गिरावट देखने को मिली, और वहीं पे मेटल इंडेक्स भी 1% से नीचे गिर गया। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस भी ट्रेडिंग डे को नेगेटिव परफॉर्मेंस के साथ ही क्लोज हुए। अब हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा हो सकता है। मंडे को निफ्टी 19,400 के ऊपर गया तो ऊपर जा सकता है, और अगर 19,250 के नीचे गया, लेकिन यह सब ग्लोबल क्लूज पे डिपेंड करता है। मंडे के लिए अच्छे चांसेस है कि निफ्टी फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन से ही खुलेगा, क्योंकि निफ्टी 19,300 के इम्पोर्टेंट लेवल के पास है। उसके बाद रीसेंट हाई से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तो वो 19,200 लेवल तक जा सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी कॉल और पुट राइटिंग्स। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 19,500 के लेवल पे 77 लाख, और 19,400 के लेवल पे 1.1 करोड़। हाईएस्ट पुट राइटिंग हुआ है 19,300 के लेवल पर 82 लाख, और 19,200 के लेवल पर 67 लाख। अब हम देखेंगे निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स। निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है 19,300 और 19,250 पर, और उसका रेजिस्टेंस होगा 19,400 और 19,450 पे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर निकलता है तो वो और ऊपर जा सकता है, और अगर वो 43,750 के लेवल से नीचे गिरता है तो और नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के चांसेस है। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कॉल और पुट राइटिंग्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 46,000 के लेवल पे, जो कि है 25 लाख, और 44,000 के लेवल पे, जो कि है 30 लाख। हाईएस्ट पुट राइटिंग हुआ है 43,800 के लेवल पर, जो कि है 18 लाख। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है 43,750 और 43,600।
और उसका रेजिस्टेंस हो सकता है 44,000 और 44,100। पोजिशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक सजेशन। अब इन पोजिशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिविटी है कि मार्केट में ज़्यादा खराबी नहीं दिखेगी। ये डाउन ट्रेंड सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर करेक्शन लग रहा है, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस फॉल में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख लेनी चाहिए। अभी तो हमने ओवरऑल मार्केट देखा, अब हम देखेंगे 3 बेस्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड्स ऑफ दिस वीक। अब हम थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि ब्रेकआउट के लिए रेडी है। पहला है जेके पेपर। जेके पेपर के चार्ट में आपको बुलिश कैंडल्स देखने मिल रहे हैं, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड देख सकते हैं। उसी लाइन से हमें कई बार बाउंस बैक देखने मिला है, तो अभी भी चांसेस हाई है। सेकेंड स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टॉक्स कंफर्टेबली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 50 DMA और 200 DMA के 13% और 19% तक ऊपर। लास्ट स्टॉक है हमारा एस्कॉर्ट कुबोटा। एस्कॉर्ट कुबोटा भी 50 DMA और 200 DMA से 18% और 30% तक ऊपर है। अब हम देखेंगे कि हम जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लेने वाले हैं उसका करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट वन और टारगेट टू क्या हो सकता है। जेके पेपर्स का करंट मार्केट प्राइस है ₹369, तो स्टॉप लॉस होगा ₹325, टारगेट वन होगा ₹388 और टारगेट टू होगा ₹396। शिल्पा मेडिकेयर का करंट मार्केट प्राइस है ₹370, तो स्टॉप लॉस होगा ₹352, टारगेट वन होगा ₹388 और टारगेट टू होगा ₹407। और अब हमारा लास्ट स्टॉक एस्कॉर्ट कुबोटा, उसका करंट मार्केट प्राइस है ₹2,851, उसका स्टॉप लॉस होगा ₹2,765, टारगेट वन होगा ₹2,937 और टारगेट टू है ₹3,025। तो ये थे हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स। याद रखिए इस सब का होल्डिंग पीरियड 1 वीक है। मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।